तो उत्तर प्रदेश में चार चरण के चुनाव हो चुके हैं। पांचवें चरण के जो चुनाव हैं वो 27 फरवरी को होंगे। तो इन्हीं चुनावों में वोट मांगने के लिए कौशाम्बी के सिराथू जया बच्चन और डिंपल यादव पहुंची। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी हैं और जया बच्चन सपा की 15 साल से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अगर बात करें अब वो वोट मांगने पहुंची हैं तो विपक्षी पार्टी को गिराना पड़ेगा और अपने आप की तारीफ भी करनी पड़ेगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी को नीचे गिराना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा उन्होंने कि जो लोग खुद ही अपना परिवार त्याग चुके हैं तो वो परिवार का महत्व क्या समझें। उन्होंने कहा है वो क्या जाने बहु बेटी क्या होती है, परिवार की इज्जत क्या होती है। मैं पिछले 15 साल से संसद में हूं, बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं वो सभी जानते हैं। मैंने देखा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। इन बातों को आप खुद जया बच्चन के मुंह से भी सुन सकते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इसकी आगे की बात करेंगे। तो मंत्री जी हैं फिलहाल, जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है, वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है। कहते हैं कि यहां औरतों की महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, झूठ। इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। तो वीडियो में तो आपने ये भी देखा होगा कि जया बच्चन योगी पर निशाना साधने के अलावा अपने पति अमिताभ बच्चन के नाम पर वोट मांगने से भी पीछे नहीं हटी। उनका कहना है कि मैं यहाँ की बड़ी बहू हूँ तो अपने गंगा किनारे वाले की लाज रखना और हमें वोट जरूर देना, सपा को वोट जरूर देना और सपा को जरूर जिताना। वहीं बात करें अखिलेश यादव की पत्नी की तो वो भी अपने ही पति के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो भी बीजेपी को निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाने के लिए उन्नाव रेप केस और हाथरस रेप केस की पीड़िता के बारे में बात की। वो इन दोनों मुद्दों को राजनीति से जोड़ रही हैं। वैसे डिंपल यादव अकेली नहीं है, अखिलेश यादव हो या कोई भी पार्टी हो, उन्होंने ये मुद्दे लाए ही लाए हैं। भले ही हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ ये ऐसा ताज, लेकिन अगर सिर्फ सपा की बात करें तो ये आंकड़े अभी भी बताते हैं कि सिर्फ बीजेपी के राज में लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अगर आंकड़े देखा जाए तो अभी के मुकाबले सपा के कार्यकाल में लड़कियों को सुरक्षित ना होने के आंकड़े ज्यादा थे। ये अभी भी डाटा सुरक्षित है, आप वो भी देख सकते हो। तो डिंपल यादव का जनता को संबोधित करते हुए कहना है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ रेप हुआ है, अत्याचार हुआ है, सपा सरकार आएगी तो अत्याचार कम होंगे, बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सपा के कार्यकाल में काफी ज्यादा हिंसा थी, महिलाएं सुरक्षित थी नहीं थी ये तो डिंपल यादव खुद भी जानती हैं, और कितने हिंसा हुए उनके कार्यकाल में ये भी शायद डिंपल यादव जानती होंगी। लेकिन अपनी ही पार्टी और अपने ही पति की बुराई कौन करेगा। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें अर्थम न्यूज।